Namaste and welcome to All About Lifestyle. This is Shraddha. Hope everyone is doing good. In today's video, I'll be sharing an exciting living room makeover. जो new rented apartment मैंने लिया था उसका ही living room makeover लेकर आई हूँ. And this time I have done something new. मैंने बहुत सारे colors add किए हैं अपने living room makeover में. लास्ट ईयर जो लिविंग रूम मेकओवर था, जो प्रीवियस अपार्टमेंट का लिविंग रूम था, उसमें मैंने सब कुछ ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ही रखा था. बट दिस टाइम आई हैव चेंज्ड द कलर्स एंड आई हैव कम अप विद सम ग्रीन, येलो, ऑरेंज. तो सब कुछ कलरफुल है, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे DIY आइडियाज़, होम डेकोर प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग आइडियाज़ आपको अच्छा लगता है देखना, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है. मैं यहाँ हमेशा नए नए आइडियाज़ लेकर आती हूँ, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ. ऑल्सो गाइज, यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये बैकग्राउंड कैसा है, डिफरेंट है. सो आई एम हेयर इन जबलपुर. मैंने स्टोरीज़ में शेयर किया ही था, इवन यूट्यूब के स्टोरी पे भी मैंने शेयर किया है कि आई हैव रीच्ड जबलपुर एंड हेयर आई विल बी फॉर अराउंड 1 month, एक महीने के लिए तो यहाँ मैं रहने वाली हूँ. यहाँ से बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, मैं बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ. डाइनिंग एरिया मेकओवर होने वाला है, बालकनी मेकओवर होने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. इसलिए चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो दिस इज़ बेसिकली अ 3 BHK अपार्टमेंट जिसके साथ एक ओपन किचन कनेक्टेड है एंड दिस होल स्पेस इज़ लाइक एल शेप में है. लिविंग रूम जो है वो एल शेप में है विद अ पैसेज वे कनेक्टेड विद इट. तो हम यहाँ बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो भी फर्नीचर है हम उसको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे और कुछ फर्नीचर को रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, किसी चीज़ों की जगह बदलेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसमें एक इंडियन ट्रेडिशनल टच प्रोवाइड कर सकें. This living space is like not at all decorated, not at all well arranged. तो जैसे आप मंदिर की स्पेस देख रहे हैं उसे भी हम चेंज करेंगे और सबसे पहले हम टारगेट करेंगे एक वॉल जिसे हम एक एक्सेंट वॉल बनाने वाले हैं यूजिंग दिस एशियन पेंट कलर. इसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. Exactly is the color I wanted and it is looking so pretty. दूसरे कोट में और अच्छा आएगा. सिंस एंट्री वे और लिविंग स्पेस में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों आसपास ही कनेक्टेड हैं, तो इसे थोड़ा सा डिसकनेक्ट करने के लिए मैंने ग्रीन वॉल को पार्टीशन दिया है और जो एंट्री वे है उसे वाइट ही रखा है यूजिंग दिस मास्किंग टेप. What guys, in my projects I deal with loads of dust, dirt, paints. इनकी वजह से मेरे skin और hair में बहुत ज़्यादा damage होता है. Sometimes I feel कि मेरे जो hairs वो इतने ज़्यादा dry हो जाते हैं and I feel that itchy scalp and dandruff भी हो जाता है कभी कभी. So today I want to share कि जब भी मैं अपने DIY projects करती हूँ तो उसमें जो paint और dust वगैरह रहती है उससे जो भी skin damages या hair damage होता है तो मैं उसको किस तरीके से treat करती हूँ. We all love a clean and healthy scalp, don't we? However, एक hair problem है जो कि dandruff वाली problem है जो सबको होती है, वो बहुत ज़्यादा noticeable भी होती है. So for that, I use this tea tree hair mask from Mama Earth. The mask contains tea tree oil, argan oil, coconut oil and lemon oil and it is free from any harmful chemicals like silicones and parabens. और इसे लगाना भी बहुत ही easy है. You just have to wet your hair and then you can apply it all over your hair and on the scalp. और इसके जो key ingredients है like tea tree oil contains antifungal and antibacterial properties and fight against fungus. Argan oil इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई है और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है एंड फाइट अगेंस्ट डैंड्रफ. लेमन ऑयल बीइंग एसिडिक इन नेचर बैलेंसेस पीएच ऑफ द स्कैल्प एंड प्रिवेंट्स डैंड्रफ. सेडारवुड ऑयल विद इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड दिस हेल्प्स इन नरिशिंग हेयर, प्रिवेंट्स हेयर फॉल एंड इट इज सेफ फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट फॉर 10 to 15 minutes एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. Guys, all the product from Mama Earth are really wonderful and I can feel the difference before and after applying that hair mask. And you know what guys, the interesting part of Mama Earth is that whenever you purchase from Mama Earth, they will link your order on the website
to a tree that they are going to plant, and you can track your tree through your order. And by 2025, yes, by 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees. Isn't it wonderful? So if you're willing to purchase any of the order, link zarur check karega description box mein. You can use my code to get 20% off on Mama Earth's website and application. You can also buy the products from Flipkart, Amazon and Nykaa. और आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और Android दोनों पर ही अवेलेबल है. द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक देम आउट. नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो. एज आई मेंशनड अर्लियर ओनली कि हम कुछ चीज़ों की जगह बदलेंगे, वैसे ही ये जो टेंपल स्पेस है यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर हम एक वॉल एक्सेंट पीस लगाएंगे जिसे मैं DIY करूँगी. तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स मिलते जाए. सो प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो. तो ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, सोफ़ा एंड टेबल, आई विल शिफ्ट देम हियर. तो जो थ्री सीटर है दैट विल कम देयर एंड अपोजिट टू दैट मीन्स हियर टू सीटर आएगा. और यहाँ पे भी हम कुछ वॉल डेकोर लाएंगे एंड ऑन दिस वॉल आई विल बी प्लेसिंग दैट वाइट मिरर जो कि फोकल पॉइंट रहता है हमेशा मेरे लिविंग रूम का. सो दिस इज द वे आई हैव प्लान. सो लेट्स वर्क नाउ. And now let's talk about curtains. So here I've ordered these curtains from Amazon. These are in yellow and orange combination. ये yellow orange combination सबसे पहले तो traditional touch provide करेगा, साथ ही साथ ये contrast देगा green wall को. Curtains के साथ साथ वैसे ही काम करती है accent lights. अगर किसी भी space में आपको luxury provide करनी है तो सबसे पहले आप पुरानी dull lights को change कर दें accent lights के साथ. Like the way I am doing here, ये मेरे पास already available है, इनके link भी description box में है. तो chandeliers, consoles, मैंने सब कुछ change किया है. Now, जैसे कि ये green wall अपने आप में ही unique और accent wall है, तो इसे हम ज़्यादा cluttered नहीं करेंगे, तो कुछ बड़ी painting के साथ इसे decorate करेंगे, जिसे मैंने DIY किया है, link description box में है, और ये wall हमारी तैयार है. Now for the DIY, जो मैंने आपको बताया था कि दूसरे वॉल पे मुझे DIY करना है, उसके लिए मैं कारपेंटर की शॉप गई थी. वहाँ से मैंने एक प्लाईवुड लिया है जिससे हम एक वॉल आर्ट पीस बनाएंगे. If you are going to try this DIY, अगर आपको plywood नहीं मिलता है आप canvas का भी use कर सकते हैं, otherwise you can go with MDF also. Now, इस plywood को 3D effect देने के लिए इसमें मैंने मूंज की रस्सी stick की है. मूंज की रस्सी available ना हो आप jute rope का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3D border देने के लिए. तो चलिए अब आता है इस DIY का major and important part. यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ये वॉल डेकल जो आप सीधे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे वॉल पे स्टिक कर देंगे तो सिर्फ वो वहीं का होकर रह जाएगा, उसे आप निकाल कर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन इस तरीके के सिंपल टेक्निक के साथ, ये आइडिया के साथ, इसे आप हमेशा अपने साथ बनाए रख सकते हैं. किसी दूसरे स्पेस में भी आप इसे हैंग कर सकते हैं. तो ये जो वॉल डेकल है इसे मैंने स्टिक कर लिया है. बेस पे मैंने येलो कलर अप्लाई किया है और हमारे पास ट्रेडिशनल पेंटिंग तैयार है ना, एक यूनिक आइडिया. और इसे हैंग करने के लिए मैंने ये स्टील पत्ती का इस्तेमाल किया है. दीज आर स्टील हुक्स जिसे मैं स्टिक करूँगी टू वे टेप से. आप चाहें तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नट्स से भी इसे फिक्स कर सकते हैं, बट टू वे टेप भी बहुत अच्छा काम करता है. दिस ऑल्सो आई मैंशनड अर्लियर कि हम कुछ फर्नीचर पीसेस को रिवैम्प करेंगे. उसी तरीके से ये जो विंटेज मिरर है मेरे पास, जो कि मैं बंजारा मार्केट से 2-3 साल पहले लेकर आई थी, इसे हम चेंज करेंगे और उसी कलर पैलेट से मैच करेंगे जो लिविंग रूम में मैंने तैयार किया है, येलो एंड ग्रीन. तो यहाँ पे मैंने वही ग्रीन एशियन पेंट कलर अप्लाई किया एंड माई हस्बैंड ऑल्सो हेल्प्ड मी इन दिस. इसे रस्टिक, जैसे कि ये पहले था, विंटेज और रस्टिक लुक देने के लिए एमरी पेपर का इस्तेमाल किया है. सैंड पेपर लीजिए, कहीं कहीं रब कर दीजिए ताकि इसका जो पेंट है वो निकल जाए और ये विंटेज लुक इसे दे देगा. अब जैसे कि सब कुछ रेडी है, नाउ टाइम टू अरेंज द फर्नीचर. जैसे मैंने कर्टन्स के बारे में आपको बताया कि वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही कारपेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करने के लिए. वो भी वही काम करता है लाइक द वे आई सेड कि कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है आपके फर्नीचर के साथ, वॉल पेंट के साथ, और एक कोहेसिव लुक प्रोवाइड करता है.
नाउ शेयरिंग द सिंपल आइडियाज टू कवर अप एनी कॉर्नर्स. किसी भी खाली कॉर्नर्स में आप ग्रीन प्लांट्स ऐड कर दीजिए जो कि कंप्लीट लुक देते हैं और कोई भी कोना खाली नहीं लगता है, पूरे स्पेस को वो कंप्लीट लुक प्रोवाइड करते हैं. All set. Now enjoy the before and after review. That's it guys. I hope आपको exciting living room makeover पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने बहुत ही simple DIY ideas का इस्तेमाल किया है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो easily available है और पुरानी चीज़ों को भी reuse किया है. अगर आपको कोई भी idea पसंद आया हो तो ज़रूर comment section में बताइएगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा comment आएंगे मुझे उससे motivation मिलेगा आपके लिए नए videos बनाने का, नए ideas लाने का, आपके घर को किस तरीके से आप खुद renovate कर सकते हैं उस तरीके के projects बनाने का. तो comment section में ज़रूर comment करिएगा, ज़्यादा engagement रखिए ताकि और लोगों तक ये video फैले, हमारा चैनल बड़ा हो और मैं और भी इस तरीके के वीडियोस बना सकूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय.